बिग बॉस ओटीटी 2 विनर एल्विश यादव गर्लफ्रेंड को लेकर काफी सुर्खियों में छाए रहे हैं। एल्विश यादव ने पहली बार अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर बात कही है। शो के दौरान उन्होंने कई बार खुलासा किया कि वह बाहर किसी को कमिटमेंट देकर आए हुए हैं, तो लोगों ने एल्विश यादव की गर्लफ्रेंड को लेकर भी चर्चाएं शुरू कर दी और कई कयास भी लगाए थे। इसी बीच अब उनका नाम एक यूट्यूबर से भी जुड़ा था, लेकिन अब एल्विश ने फैंस की गलतफहमी दूर करते हुए सच बता दिया है। सोशल मीडिया पर राज करने वाले एल्विश की जीत से उनके फैंस बेहद खुश हैं। शो में इन्फ्लुएंसर की स्टाइल के साथ साथ उनकी लव लाइफ को लेकर भी खूब चर्चाएं चलती रहती हैं। वहीं अब एल्विश ने खुद अपने दिल के राज खोल दिए हैं। शो के दौरान भी जब मनीषा रानी एल्विश यादव से फ्लर्ट किया करती थी, तो एल्विश हमेशा से ही उनसे थोड़ा दूर ही नजर आते थे और उन्होंने बताया भी था कि बाहर उनकी गर्लफ्रेंड है। एल्विश यादव ने हाल ही में बिग बॉस 10 के कंटेस्टेंट रहे मनु पंजाबी के साथ एक लाइव चैट किया। बातचीत के दौरान उनसे उनकी गर्लफ्रेंड को लेकर भी सवाल पूछा गया। इसी पर जवाब देते हुए एल्विश ने कन्फर्म कर दिया कि वह एक सीरियस रिलेशनशिप में है। इसी के साथ ही एल्विश ने कीर्ति मेहरा की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वो उनकी गर्लफ्रेंड नहीं है। एल्विश ने कहा, जिसके लोग सोशल मीडिया पर इंटरव्यू देख रहे हैं उससे मेरा कोई भी नाता नहीं है। एल्विश ने बताया कि लोगों को गलतफहमी हो गई है। एल्विश ने आगे कहा कि उनकी गर्लफ्रेंड पंजाब से है और वहीं रहती है। वो सोशल मीडिया और फॉलोअर्स की दुनिया से दूर रहना ही पसंद करती हैं। उनकी गर्लफ्रेंड नहीं चाहती कि पब्लिक में उनका नाम बाहर आए, क्योंकि वो अपनी लाइफ प्राइवेट रखती हैं। इसीलिए एल्विश अपनी गर्लफ्रेंड का नाम नहीं ले रहे हैं और वो पंजाब की है और पंजाब में ही रहती है, कहीं बाहर नहीं रहती। यह सभी शब्द एल्विश यादव के हैं। उन्होंने कहा कि मेरी गर्लफ्रेंड की जिंदगी बहुत प्राइवेट है और वो चाहती है कि वो प्राइवेट ही रहे। उसे पसंद नहीं कि मैं उसका नाम लूं या उसके फॉलोअर्स बढ़ाऊं। वो इन सब चीजों से दूर है और खुश है। तो तमाम ऐसी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए स्पाइसी बॉलीवुड।